ओके वेलकम गाइस वेलकम टू दिस लेक्चर तो आज हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास में ड्रग ट्राफिकिंग और ह्यूमन ट्राफिकिंग मैंने बताया था आपको आज के क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्म्स ट्रैफिकिंग उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड बेसिकली इसको छोड़ देते हैं बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट इन डिटेल इन्वायमेंटल क्राइम्स के बारे में बात करेंगे दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर योर थ्री एनवायरमेंट ओके देन स्ट्रक्चर क्या रहता है ऑर्गेनाइज क्राइम का उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर दैट इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसको कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे ऑल राइट सो आर्म्स ट्रैफिकिंग ओके इंडिया में अगर मैं बात करूं आर्म्स ट्रैफिकिंग समझते ही हो आप लोग बाय बाय नेचर आपको इस, इस, वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा आर्म्स की तस्करी या आर्म्स को एक जगह से दूसरे जगह फॉर डिफरेंट पर्पसेस आपको ट्रैफिक करना अब ये पहली बात हमें ये देखना होता है कि इंडिया में आता कहां से आर्म्स हाउ यू कैन अक्वायर आर्म ठीक है तो सबसे पहले डोमेस्टिक मैनुफैक्चर तो डोमेस्टिक जनरली क्या होता है इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओके गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है आर्म्स का आ, जो जैसे डीआरडीओ है ओके डीआरडीओ इज देयर इज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओ एफ बी अभी तो उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया वो क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा लेकिन यहाँ पर आप देखो तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से मेरा मतलब क्या है दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर वो देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी थी गैंग्स ऑफ वर्सेपर उसमें कैसे बोलता है कि मैं कट्टा बनवाना चाहता हूं तो क्या उसका इसके लिए क्या लगेगा ट्रक का पाइप लगेगा तो पूछता है कि अगर बाइसिकल का पाइप मैं दे दूं तो क्या होगा तो बोलता है फट के फ्लावर हो जाएगा है ना वो वाला सीन आप सभी को याद होगा सो so, इंडिया में क्या होता है जनरली जो पीपल हु आर स्किल्ड इन वेल्डिंग ओके वेल्डिंग वगैरह में जो स्किल्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं अपना जो स्किल है उसका दुरुपयोग करते हैं और उससे क्रिमिनल्स के लिए लो लेवल बदमाशों के लिए दे बेसिकली मैन्युफैक्चर इन मार्केट और वो हाई क्वालिटी का नहीं होता इट्स अ शूट एंड थ्रो वो एक पेन आता था ना याद है तीन रुपए वाला पेन आता था लिखो फेंको उसमें कोई टिप नहीं होती थी अग्नि अग्नि आईसी जेल है एक मिनट तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जनरली शूट एंड थ्रो का रहता है तो एक अग्नि आईसी जल करके आता था पेन सभी को याद होगा बचपन में जो तीन रुपए का आता था दो रुपए का आता था उसको हम लिखते थे और फेंक देते थे उसी तरीके से ये जो कट्टा होता है जिसको हम देसी uh, लैंग्वेज में कट्टा बोलते हैं सो आर बेसिकली यूज एंड थ्रो इसको आप तीन से चार बार यूज कर सकते हो एंड इट इज बेसिकली यूज बाई स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स ओके सो ये एक तरीका है आम इंडिया में प्रोक्योर करने का दूसरा क्या है दूसरा है स्नैचिंग एंड रेड तो बहुत सारे बदमाश होते हैं ओके इट्स सम वॉट सिमिलर ओके बहुत सारे बदमाश होते हैं ओके okay, बहुत सारे बदमाश होते हैं uh, जो पुलिस को जो है एम्बुश कर देते हैं और पुलिस मैन से जिनको गवर्नमेंट इशू करती है उनसे वेपन्स छीन लेते हैं ओके दैट इज आल्सो वन वे दैट इट कैन बी डन ओके तो स्नैचिंग करना स्नैचिंग करना हो गया रेड मारना पुलिस स्टेशन पे मैंने आपको नक्सल की क्लास में जब नक्सलिज्म की नक्सलिज्म में पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कैसे छत्तीसगढ़ में अः जो पुलिस स्टेशन होते हैं दे आर हेविली आर्म ओके दे आर हेविली आर्म ये जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट मणिपुर वगैरह में भी जाओगे तो बहुत ही ज्यादा आर्म्ड होता है बहुत ज्यादा हेविली आर्म्ड होते हैं पुलिस स्टेशन नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं होते हैं हमारे जो पीस टाइम वाले इलाके दिल्ली मुंबई वाले पुलिस स्टेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा पिस्टल मिल जाएगा ओके और छत्तीसगढ़ में जाओगे तो दे हैव अ प्रॉपर आर्मरी नहीं नॉट थ्री नॉट थ्री एक्चुअल में आर्मरी रहती है उसमें अच्छे अच्छे वेपन्स रहते हैं जैसे कि आपका इंसास हो गया जैसे ए के फिफ्टी सिक्स ओके ए के सेवेंटी फोर ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी और जब पुलिस स्टेशन होता है तो उसको ओवरवेलम कर देना हाउ डज रेड रेड हैपेंस हैपेंस बाय ओवरवेलमिंग द पुलिस पुलिस स्टेशन वालों को क्या करते हैं या तो शूट कर देते हैं और मेजोरिटी uh, केसेस में उनको बंधक बना लेते हैं दे आर दे आर बेसिकली हेल्ड एज होस्टेज द पुलिस मैन दे आर देड पुलिस मैन द एस एच ओ और द इंस्पेक्टर इज आस्ट टू ओपन दर्मरी और आर्मरी से सारे बदमाश जो है बीस पच्चीस जो असोल्ट uh, राइफल्स होता है उसको निकाल के ले जाते हैं बहुत बार जब नक्सल के साथ एंकाउंटर्स होते हैं नक्सलाइट्स के साथ जब इनकाउंटर्स होता है तो उनके पास 20-20 साल पुराना स्नैच्ड वेपन्स मिलता है बिकॉज ईच वेपन दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू दी सोल्जर ओके ईच वेपन दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू दोल्जर हैजूनिक आई डी इट हैज अक आइडेंटिटी और वो जो यूनिक आइडेंटिटी होता है उसके थ्रू वी आर एबल टू ट्रेस अभी क्या हुआ था रिसेंटली छत्तीसगढ़ में एक नक्सलाइट कैम्प पे अटैक हुआ था और वहां से जो वेपन मिले थे उसमें से एक जो राइफल था एक राइफल उनका था दट वॉज स्नैच फ्रॉम द पुलिस मैन ट्वेंटी ईयर्स बैक तो बीस बीस साल पुराना वेपन भी जो स्नैचिंग होता है वो बीस साल के साइकिल तक चलता है डोन्ट थिंक की एक बार उसने स्नैच कर लिया तो फिर यू नो ज्यादा उसका नुकसान नहीं है नहीं है होता क्या है जनरली इट पासेज हैंड्स विद इन दी नक्सल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इट पास ऑन जैसे कोई मर गया तो उसका वेपन आगे चला जाता है और जनरली क्या होता है कि दे आर इट इज मच इजियर टू प्रोक्योर द बुलेट्स बुलेट्स जो हैं इट इज नॉट काउंटेड फॉर जनरली क्या होता है यहां पर समझो कि बुलेट्स प्रोक्योर करना बहुत आसान होता है एंड इट इज डन बाय द करप्ट पुलिसमैन ओनली करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं सिंस गवर्नमेंट जो बुलेट सेंड करती है वो उतना उस पर ध्यान नहीं देती है उतना अकाउंटिंग उसका नहीं होता है तो उसमें से कुछ ओपन मार्केट में बेच देते हैं और ओपन मार्केट में जब बेचते हैं तो किसके पास जाता है बुलेट्स बुलेट्स जाता है इन इनवेरेबली पॉलिटिशियंस के पास क्रिमिनल्स के पास माफिया के पास और अनफॉर्चूनेटली ये जो हरकत करते हैं करप्ट पुलिसमैन उसके वजह से नक्सल्स के पास भी चला जाता है बिकॉज़ दे आल्सो आर आल्सो इन द मार्केट टू बाय दोस बुलेट्स ओके सो ये चीज है स्नैचिंग से होता है रेड से होता है स्नैचिंग मतलब होता है एक पुलिस वाले से छीन लिया जैसे पुलिस वाला पेट्रोलिंग कर रहा है किसी आ, किसी नाके किसी चौक पे बैठा हुआ है और उसके आसपास कोई साथी नहीं है तो दो आदमी आए एक उसका मुंह बंद किया और दूसरे ने अचानक से उससे

वेपन हाँ, ऐसा भी होता है और ओपन मार्केट में बेच भी देते हैं बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो वो ये बोल के कि स्नैचिंग हो गई उसको दो लाख रुपया में बेच दिया उसके उसका क्या जा रहा है ना तुम्हारा क्या मान लो कि यू आर सिलेक्टेड एज एज अ अंस्टेबल और तुमको मिल गई इंसास इशू हुई तुम्हें इंसास और तुम गए पेट्रोलिंग पे, पे वहां पर दो लाख रुपए में बेच दी ऐसा हुआ है देर दिस जब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था स्नैचिंग नहीं हुई है आपने एक्चुअली बेचा है तो इस केस में पुलिस मैन okay, उसको तो डेढ़ दो लाख रुपए दिख गया बिकॉज ही इशूड दैट गन फ्रीली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय दी गवर्नमेंट और वो जाके बोला मेरा स्नैचिंग हो गया तो उसको नई सरकार सरकार नई बंदूक दे देती है आफ्टर स्मॉल इंक्वायरी तो वो क्या करता है दो तीन बार दिखा देता है ऐसे ही पांच छह लाख कमा लिया उसने ओपन मार्केट में बेच के तो ये ये भी भी हो चलता रहता है ओके ये भी चलता रहता है okay? ओके okay, अब हम आगे चलते हैं तो इसमें स्नैचिंग रेड हो गया देन अब हम बात करते हैं सबसे मेन रूट की एंड दैट इज आर्म्स ट्राफिकिंग फॉर फ्रॉम म्यांमार म्यांमार इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड आर्म्स बिकॉज म्यांमार में जो नॉर्थ है इट इज बेसिकली लॉलेस जो नॉर्थ म्यांमार है वो है क्या वो लॉलेस है वहां पर मल्टीपल रिबेल्स वो क्या करते हैं अपना सरकार खुद चलाते हैं काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी कैरिन आर्मी राइट रोहिंग्या आर्मी देर इज सेल्वेशन आर्मी बहुत सारे मल्टीपल आर्मीज होते हैं वहां पर जो कि अपना खुद का गवर्नमेंट गवर्नमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट जो चलाते हैं गवर्नमेंट जो चलाते हैं उसमें होता क्या है

Heavy Machineries, all right, LM, LMG देते हैं उनको एम जितने भी एम सीरीज के ग आपको उनके पास मिल जाएंगे फिर क्या होता है, है एक्स्टोरशन से पैसा कमाया मान लो नक्सल ने पैसा कमाया रॉबरी करके तो जो नक्सल्स हैं वो किसी को कॉन्टेक्ट करेंगे सम्बडी इज सिटिंग इन से मेघालय सम्बडी इज सिटिंग इन मिजोराम दलाल मिडल मैन और वो कॉन्टेक्ट करेगा मिजोराम से म्यांमार के अंदर और म्यांमार वाले फॉर अ फिक्स्ड प्राइस नक्सल्स पे करेंगे और म्यांमार में के जो लोग हैं वो लेके आएंगे गन मिजोराम में जो मिडल मैन बैठा हुआ है आपका उसको देंगे और उसके बाद वो पहुंचा देगा नक्सल्स को एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर डन तो एक बड़ा जो रूट है वो म्यांमार है नेपाल से भी आता है नेपाल से भी आता है अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इंडिया में इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट आर्म्स एक्ट हमारे कंट्री में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट आर्म्स एक्ट है तो अमेरिका में जाओगे तो वहां गली गली नुक्कड़ मोहल्ले में आपको बंदूक की दुकान मिल जाएगी वहां जाके आप अपना पासपोर्ट दिखा के या कोई आईडी कार्ड दिखा के सोशल सिक्योरिटी नंबर अपना बता के और वहां से आप ले सकते हो यू कैन बाई एनी काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन ओके okay, तो इंडिया में देर इज एन वेरी स्ट्रिंजेंट आर्म्स एक्ट बहुत यहां पर क्या है कि जांच परख के आपको लाइसेंस पहले लेना है और लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है आई टेलिंग यू दिस बिकॉज़ इवन पुलिस मैन अगर उनको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो उनको ना आगे पीछे जाना पड़ता है द ओनली पर्सन हु कैन गेट इजिली आर्म्स लाइसेंस इज एन आई एस ऑफिसर इवन द पॉलिटिशियंस है आपके वो डीएम uh, होते हैं और डीएम ही आपको दे सकता है अंडर दर्म्स एक्ट द डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट या डिविजनल कमिश्नर जो डी सी या डीएम होता है उसके पास पावर होती है कि आपको जो आर्म्स एक्ट के अंदर आपको परमिशन देगा लाइसेंस के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आर आउट ऑफ रीच ऑफ एन आर्म ओके तो वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जहां कट्टा बनता है उस पर डिपेंडेंट है या आप uh, म्यांमार से लेके आओ बंदूक म्यांमार से मैनेज करो एक डेढ़ लाख रुपए में आपको ए के फिफ्टी सिक्स मिल जाएगा या आप यू नो मे बी यू कैन स्नैच द वेपन आप रॉबरी कर सकते हो किसी आर्मरी की तो, तो दैट इज हाउ इंडिया में जो है आर्म्स ट्राफिकिंग वगैरह जो है तो वो होता है दूसरा क्या है एल एलओ के थ्रू क्या करते हैं कि जैसे पाकिस्तान लॉन्च पैड होता है पाक बैग्ड लॉन्च पैड के थ्रू जो पाक बैग्ड मिलिटेंट्स आते हैं वो अपने साथ स्पेयर बंदूक लेके आते हैं अपने साथ क्या करके लाते हैं तीन चार बंदूक लेके आते हैं और यहाँ के जो मिलिटेंट्स होते हैं डोमेस्टिक मिलिटेंट्स होते हैं जो कश्मीर वैली के मिलिटेंट्स होते हैं उनको पकड़ा देते हैं दूसरा क्या होता है कि जो रिवर्स uh, जाती है लोकल रिवर्स होता है ओके okay? तो वहां से क्या करते हैं ये uh, एक पॉइंट पे वो रिवर में राफ्ट छोड़ देते हैं और रिवर में क्या रहता है वहां पर आपको गन्स वगैरह मिल जाता है उसमें अंदर में टोकरी में गन्स मिल जाता है एंड लोकल ही पिक्स अप, बेसिकली द गन जो होता है इस साइड में इंडियन साइड में इंडियन साइड ऑफ कश्मीर जो है वहां पर वो उठा लेता है तो ऐसे भी बहुत पहले

इसमें मैक्सिमम uh, जो आर्म्स ट्रैफिकिंग होता है वो एस ए एल डब्ल्यू का होता है वॉट इज एस एल डब्ल्यू दैट इज स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन तो इसमें पिस्टल हो गया ओके यस दे हैव ग्रेनेड लॉन्चर्स वो इनबिल्ट आता है अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा जियो वाला उसमें आपको पता चलेगा हाउ ऑफेस्टिकेटेड थिंग्स कैन बिकम तो एस ए एल डब्ल्यू जो है स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन वो ज्यादा बिकती है तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है एस ए एल डब्ल्यू इन सबको आपको अपने आंसर में जीएस थ्री के आंसर में इंटीग्रेट करना है बहुत जरूरी है ओके देन ओनली कंटेंट डिफ्रेंसिएशन कैन हैपन एंड दिस इज हाउ कंटेंट डिफ्रेंसिएशन हैपेंस ओके इस चीज को ध्यान रखना उसके बाद यहां पर आओ तो मिडलमैन ब्रोकर मैंने आपको बता दिया कैसे मिजोराम में कोई बैठा हुआ है हु हैज कॉन्टैक्ट इन म्यांमार ओके okay, आप उसको कॉन्टेक्ट करोगे मिजोराम में वो बोलेगा ठीक है अगर आपने देखा होगा तो कुकी मिलिटेंट्स के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है कहाँ से आया दे हैव एम फोर दे हैव एम सिक्सटीन दे हैव ये था ना अभी बहुत रिसेंटली इंडियन आर्मी ने भी औ, 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 ये किया है सेवन पॉइंट सेवन सिक्स कैलिबर वाला एस uh, समथिंग नाम है उसका मैं भूल रहा हूं नाम ओके okay? बट यू नो इंडियन आर्मी हैज्सो ऑक्यूपाइड हैज प्रोक्योर्ड दैट ओके तो उसमें अगर आप देखोगे वाई दे हैव सो मेनी सोफेस्टिकेटेड कहाँ से आया हाउ तो इट हैज कम फ्रॉम म्यांमार ओनली मैंने आपको बताया था चिन कुकी और मीजो ये तीनों कजन ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में ये तीनों कजन ट्राइब्स हैं आपको चिन पीपल यू कैन फाइंड इन बांग्लादेश आपको आ, कुकी जो है ओके चिन्ह आपको बांग्लादेश और म्यांमार में, में दोनों जगह मिल जाएंगे कुकी जो है आपको म्यांमार में, में और इंडिया में मिल जाएगा आपको मणिपुर में और जो मीजो है आर फाउंड इन मिजोराम तो ये तीनों अपने आप को कजन ट्राइब बुलाते हैं और इन तीनों में एक बॉनहॉमी चलती है एंड जो वेपन्स में भी हेल्प करते हैं एक दूसरे को आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट इज पर मोस्ट हेविल आर्म्ड पर कैपिटा हेविली आर्म्ड स्टेट किसी के भी घर चले जाओगे वहां पर किसी के किसी भी इंडिविजुअल के घर चले जाओगे तो वहां पर आप आपको उस उस इंडिविजुअल के बेसमेंट में आपको बहुत वेपन्स इंक्लूडिंग ग्रेनेड लॉन्चर्स इंक्लूडिंग आरपीजी मिल जाएगा बहुत आसानी से स्नाइपर वेपन्स बिकॉज जब आप देखोगे मेघालय और आसाम का बॉर्डर क्लैश हुआ था वेन मेघालय एंड आसाम बोथ वेंट इन बॉर्डर क्लैश तो मेघालय के सिविलियंस राइफल लेके आए थे अमेरिकन मेड आए थे अमेरिकन स्नाइपर राइफल्स क्राइम कम है फनी पार्ट नॉर्थ ईस्ट इज पर मोस्टली आर्म्ड पर कैपिटाटेट बट वहां पर क्राइम कम होता है ओके okay. तो अगेन दैट हैज मोर टू डू विध हंड्रेड परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट नाइनटी एट परसेंट जब लिटरेसी रहेगी आपकी ओके okay? और ट्राइबल कल्चर है ट्राइबल कल्चर इज ऑलवेज यू नो नॉन करप्ट नॉन क्रिमिनल ओके ऐसा आप कह सकते हो तो यहाँ पर ये चीज होगी देन इंडियन कंटेक्स में कहां कहां पे मिल जाएगा आपको नॉर्थ ईस्ट नक्सलिज्म जम्मू कश्मीर तीन जगह पे रेड कॉरिडोर में नॉर्थ ईस्ट में जम्मू कश्मीर में आपको इलीगल जो है उसकी तस्करी मिल जाएगी रूट क्या क्या ऑफ है्यांमारे वहां से आता है कोस्टल एरिया से भी आ सकता है आ, पाकिस्तान से मैंने बताया था डिंगी जो है डिंगी समझते हो आप लोग डिंगी यूज करते हैं अरेबियन सी में फिश पकड़ने के लिए तो डिंगी को यूज करके उसको छोड़ दिया जाता है मिड सी में और कोऑर्डिनेट्स के साथ और फिर यहां से इंडिया से लोग जाके उसको कलेक्ट कर सकते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट इस है, हो जाता है कट्टा जो देसी कट्टा होता, होता है एक शॉट मारो हत, हाथ में भी फट सकता है ऑलराइट right, वो था ना अपना आ, कालीन भैया का व्यापार यही था ना कट्टे का तो कट्टा जो होता है ऑल right, कट्टा होता है इट्स वेरी इट्स वेरी रिस्की फॉर द यूजर ऑल्सो राइट यस देन इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी इज देयर इट पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट आपको पता है कितने सारे लोग मरते हैं हमारे सोल्जर्स नॉर्थ ईस्ट में एम्बुश में मर जाते हैं हमारे सोल्जर्स मर जाते हैं छत्तीसगढ़ में हमारे सोल्जर्स मर जाते हैं, हैं जम्मू एंड कश्मीर में ओके सो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंगाइट दैट इज ए वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग

उनके लिए भी बड़ी दिक्कत आती है मैंने आपको बताया ओनली पर्सन दैट कैन मेक योर आर्म्स लाइसेंस इज इज एन ऑफिसर हु द डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ओके ओके उसी को पावर है उन्फोर्समेंट चैलेंजेस चैलेंजेस आर देयर उसमें मॉनिटरिंग uh, बहुत मुश्किल है इंडिया हैज अ वास्ट बॉर्डर उतना हमारे पास मैन पावर नहीं है उतना रिक्रूट भी नहीं कर सकते हम मैन पावर करप्शन का इश्यू है देन सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स ऑफ ट्रैफिकर्स इस देर वो अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं नए तरीके से ड्रोन से तो क्या करते हैं आजकल पाकिस्तान बॉर्डर पे आपने देखा है कि ड्रोन में जो है वो ए के फोर्टी सेवन लगा के छोड़ देते हैं और फिर बॉर्डर के इस पार गिरा देते हैं बहुत सारी ड्रोन्स रिकवर हुए बहुत सारे तो अनडिटेक्टेड आगे होंगे ऑलराइट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमारे कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं जिनको हमें देखना होगा बिकॉज सी इंडिया से अगर आर्म्स है तो वो म्यांमार में इम्पैक्ट करेगा म्यांमार से वो आर्म्स जो है वो जाएगा थाईलैंड थाईलैंड से फिर इंडोनेशिया ऐसे करते करते हर जगह पहुंच जाता है आपको एक बात बताता हूँ कुछ साल पहले नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर में इनकाउंटर्स हुए थे और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो इनकाउंटर्स थे उसमें हमने क्या देखा कि चाइनीज टाइप 56 राइफल रिकवर्ड और ये किसको इश्यू होता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दस दैट मीन कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ये वेपन है क्या पीपल लिबरेशन आर्मी सपोर्ट कर रहा है द आंसर इज नो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पता भी नहीं होगा कि ये उसका वेपन है हुआ क्या होगा कि चाइना से किसी ने स्मगल कर दिया होगा uh, म्यांमार में और म्यांमार से ये आ गया होगा इंडिया या चाइना से चला गया होगा वियतनाम वियतनाम से आते आते कंबोडिया आते-आते इंडिया आ गया होगा right. ये भी होता है दूसरी चीज क्या है कि आपको कश्मीर में मिलेगी तो वो कौन दे रहा है टाइप फिफ्टी सिक्स चाइनीज राइफल जो पीएलए इशूड है वो पाकिस्तान भेज रही है बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी ऑल्सो यूजेज दिस ओके पाकिस्तानी आर्मी का सबसे स्टैंडर्ड uh, इशू कौन सा है आपको पता है यू नो वेपन इज इज द स्टैंडर्ड इशू ऑफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी जर्मन वेपन है नाम बता सकते हो और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच मैन्युफैक्चर इट तकशीला में उनका वो इंडस्ट्री है ऑलराइट जर्मन गन है उसका नाम आई थिंक जीवन है राइफल राइफल ओके ओके है मेड फाल बोलते हैं उसको दैट इज मेड बाय पाकिस्तान ओनली और वो वहां पर कश्मीर में काफी इसको रिकवर किया गया था ड्यूरिंग अर्ली मिलिटेंसी ओके okay? और पाकिस्तान इस दी जर्मनी में बनना बंद हो गया पाकिस्तान स्टिल मैन्युफैक्चर इट्स फॉर द इंटायर वर्ल्ड Uh, तक्षला में उनका तक्षशिला सब जानते होंगे तक्षशिला जहां पर uh, ये चाणक्य पढ़ाते थे तो तक्षीला को उन्होंने फैक्ट्री बना दिया इट्स एन आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तक्षला इंडस्ट्रीज है ओके ओल्ड राइफल माई फ्रेंड ए के टू जीरो थ्री विल ब्लो इट आउट ओके लेकिन एक चीज है कि देखो दो uh, कैलेबर होता है एक समझना आपको एक चीज जरूरी है सेवन पॉइंट सेवन सिक्स और फाइव पॉइंट फाइव टू दोनों में डिफरेंस क्या है कोई बता सकता है बड़ा तो है कैलिबर लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या होता है बता दोगे तो तुम्हें फ्री सीडीएस का कोचिंग दूंगा यस yes, प्रियांश पांडे यू गेट द फ्री सीडीएस हैम्पर ठीक है ओके सो फाइव पॉइंट फाइव टू इट इज करेक्ट इट इज टू मेम इट इज टू मेम एंड सेवन पॉइंट सेवन सिक्स इज टू किल यस यस खुशी तिवारी वेरी गुड तो इट इज फॉर किलिंग एंड इट इज फॉर मेमिंग ये चीज हमेशा याद रखना इट इज़ इज़ द द डिफरेंस इंडियन आर्मी के प्रॉब्लम क्या है आपने टेररिस्ट को तीन गोली मारी टेररिस्ट फिर भी खड़ा है इंजर्ड है लेकिन जिंदा है टेररिस्ट को दो गोली मारी दो एक गोली लग गई दो गोली लग गई वो मरा नहीं ओके okay. इसीलिए इंडियन आर्मी ने अभी 7.76 पॉइंट सिक्स का सिग मंगवाया है सिग सोयर ओके okay. उसमें भी कलेश हो रहा है दैट ओके यस दट ओकेट इज इट इज इजियर टू कैरी इट इज इजियर टू कैरी प्लस हायर ओके थर्टी फाइव तक आप रख सकते हो मैगजीन के अंदर ऑलराइट सेवन पॉइंट ऑब्वियसली बड़ा कैलेबर है तो लिमिटेड uh, इशू uh, है है ठीक लेकिन इंसर्जेंसी में जब तुम फाइट कर रहे हो फ्रेंड देखो बात समझो मेरी अब तुमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा मुझे उसको एड्रेस करना होगा यू आर है क्या इट्स अ प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी नेटो की आर्मी है क्या प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी टू फाइट रशिया और यूएसएसआर जब था यूएसएसआर तो यूएसएसआर तो सोल्जर कैसे फाइट करता है सोल्जर कैसे फाइट करता है जिहादी कैसे फाइट करता है उसमें बड़ी डिफरेंस है फ्रेंड ये चीज को समझो जब सोल्जर को गोली लग जाएगी 5.52 से उसको इंजरी होगी एंड ही विल बी पुल्ड बैक फ्रॉम द बैटल समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग सोल्जर को एक गोली लगेगी ही विल नॉट फाइट अगेन अनलेस एनटिल ही पुश इन टू अ कॉर्नर और वो लास्ट स्टैंड ले रहा है जनरली होता क्या है जब सोल्जर को लग बिकॉज सोल्जर इज एन एसेट द सोल्जर इज एन एसेट उसको घर जाना है बच्चों का चेहरा देखना है एज जिहादी कम्स वो ये माइंड में लेके जाता है कि मुझे मुझे ना जन्नत नसीब करने में जा रहा हूं तो आप उसको मारते रहोगे 5.52 से वो आप पे बुलेट स्प्रे कर देगा उसका काम क्या है शहादत में लेने से पहले मैं कितने सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को मार दू आप उसको 5.52 से मारोगे वो पीछे नहीं फील्ड हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कराएगा वो वो और स्प्रे करते रहेगा अपना बुलेट्स uh, और क्लोज क्वार्टर से करेगा सो दैट इज द द मेन प्रॉब्लम इंडियन आर्मी सो अगेंस्ट दर्मी जो है 5.52 है ठीक है दैट्स द थिंग बट यू नो वेन योर बुलेट्स आर मेन टू मेम एंड नॉट किल तो इंसर्जेंसी आप नहीं सही से काउंटर कर सकते हैं ओके okay? तो ये प्रॉब्लम है हमेशा याद रखना you know, सोल्जर है फर्स्ट बुलेट पियर इमीडिएट इवैक्यूएशन अवेलेबल है तो उसको पीछे खींच लिया जाता है उसको रखा नहीं जाता बिकॉज अ सोल्जर इज एन एसेट आर्मी उसको चाहेगी कि वो जिंदा रहे और आगे मुझे सर्विस दे लेकिन अ जिहादी इज नॉट एन एसेट ही इज एन एंड ही इज अ ओके ही इज एन एंड वेयर एज अ सोल्जर इज अ अस टू एन एंड द जिहादी इज एन एंड टू द गोल आपको गोल आपके गोल फुलफिलिंग में हेल्प करता है और वो जब दिमाग से आता है उसको घर नहीं जाना जनरली क्या होता है वो अनमैरिड होता है उसके पेरेंट्स या तो यू you नो know, यतीम हो जाते हैं फादर मदर जो है वो खत्म हो, हो जाते हैं बचपन में ऐसे लड़कों को ऑर्फेन्स को लिया जाता है और जब उस पर फाइव पॉइंट फाइव टू यूज करोगे तो डिफरेंट मोटिवेशन वो फाइट कर सकता है जब तक वो आठ नौ लोगों को ना मार दैट इज दशू विद इन इंसर्जेंसी ऑपरेशन ओके कैपेसिटी बिल्डिंग इज ऑल्सो नीडेड कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है uh, जैसे बॉर्डर है पोरस बॉर्डर है तो यू you नो know, uh, जब आप चेकिंग कर रहे हो किसी भी पोरस बॉर्डर के आसपास आपने नाका चेक पॉइंट बना रखा है तो नए नए तरीके अगर uh, स्मगलर ला रहे हैं तो हमारे जो लोग हैं आईबी के लोग हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं आसाम राइफल्स के लोग हैं सीएपीएफ uh, के लोग हैं स्टेट पुलिस के लोग हैं उनको पता रहना चाहिए दैट ओके दीज आर दी वेज बाय विच द स्मगलर कैन यू नो बेसिकली गिव मी Uh, मुझे चकमा दे सकता है ओके okay? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें इधर भी बताना होगा हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते जैसे हम कस्टम्स वाले को बताते हैं कैसे ड्रग्स जो है जो सप्लाई होता है इंडिया में वो कैसे आता है दैट्स वाई दे चेक द रेक्टम ओके रेक्टम में चेक uh, करते हैं कि छुपा के नहीं रखा तुमने या या जूतों में चेक करते हैं या आर्ट वर्क में चेक करते हैं आजकल क्या हो गया कि पेंट में मिक्स कर देते हैं ओके okay? पेंट में मिक्स करके और उसको पेंट कर देते हैं और फिर इंडिया आके उसको सुखा के वापस से न्यू न्यू टेक्निक्स तो जो कस्टम्स वाले उनको पता चल गया उसी तरीके से आम स्मगलर जो है क्या होता है टू डिफरेंट में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं बंदूक को और जब आप देखोगे उसका एक पीस तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो है क्या बट वेन यू असेंबल दैट तो वो प्रॉपर गन बन जाता है तो ये सारी चीजें हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में लाना पड़ेगा सीएपीएफ आईबी वालों को कैसे इंटरसेप्ट करना है इंटेलिजेंस इज फर्स्ट डिफेंस इंटेलिजेंस इज योर फर्स्ट डिफेंस माय फ्रेंड हमेशा याद रखना इंटेलिजेंस अगर आपकी सही मिलेगी पिन पॉइंट मिलेगा तब जाके आप रिकवर कर सकते हैं ओके एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट रिगार्डिंग दिस आर्म स्मगलिंग लिख दोगे दस नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्स टू मैक्स आएगा क्वेश्चन टेन मार्क्स मैप बना देना इंडिया का और उसमें दिखा देना कैसे म्यांमार से अंदर आ रहा है नेपाल से अंदर आ रहा है ओके okay. पाकिस्तान से कश्मीर जा रहा है ऑलरेडी एंड right. मारे टाइम बॉर्डर से भी ऐसे ऐसे करके दिखा देना एंड यू विल बी सेट मैप जरूर बनाना हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर थोड़ा सा जेनरिक स्कोप रहता है जेनरिक स्कोप माने अगर मैं पूछूं कि यू नो जीएस वन का किसे क्वेश्चन होता है बड़ा सीधा आता है स्पेसिफिक आता है वहां पर आप ज्यादा आपके पास नहीं है यू डोंट हैव मच स्कोप लेकिन जैसे आर्म स्मगलिंग इट्स अ जेनरिक क्वेश्चन इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो आप फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था जीएस का एस का एस फोर हंड्रेड एवरीबडी नोज इट्स टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड रशिया ओके रशिया हैज प्रोवाइडेड दिस वाज़ अ क्वेश्चन इन 2021 जीएस3 उसमें क्या कर सकते थे एस बहुत लोग लिख सकते थे प्रिलिम्स के पॉइंट्स ओके okay, 400 किलोमीटर तक की रेंज है और यू नो मल्टीपल लेयरिंग लेयर्स में होता है तो उसमें लेकिन आप डायग्राम भी बना सकते थे कुछ करना नहीं था एक ऐसे बैटरी बनाते एक uh, ट्रक बना दो ऐसे सिर्फ डायग्राम बनाओ और पीछे में ये दिखा दो दैट ओके दिस इज साइलो मिसाइल की साइलोज दिखा दो और उसको रेंज दिखा देते आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दिस क्वेश्चन आस्क मी इन द मॉर्निंग कि इसको कैसे करना है तो उसको मैंने यही बताया कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए जैसे आर्म स्मगलिंग आ गया एस फोर हंड्रेड आ गया तो करना क्या है कुछ नहीं बस इस टाइप का आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ मैप बना दो आप थोड़ा यूनिक पॉइंट्स लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग करके उसके बाद ये भी लिख सकते हो एस फोर हंड्रेड वाले में अगर कोई वेपन से आए मान लो कि अभी जैसे हम लोग ड्रोन ले रहे हैं हम एमक्यू नाइन ड्रोन ले रहे हैं देन वी हैव सी गार्डियन ये सारी इंडिया कैसे हेल्प कर सकती है इंडिया को उसकी मैरिटाइम केपेबिलिटी uh, और उसकी जो एरियल केपेबिलिटी है उसको बोलस्टर करने में हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन आए आ सकता है बिकॉज 2023 में यूएवी पे क्वेश्चन था ओके अनमैंड एरियल व्हीकल पे तो हो सकता है इस बार आपको ट्रिडेटर ड्रोन जो इंडिया खरीद रहा है अमेरिका से उस उसपे क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हमेशा एंडिंग करना दैट इंडिया शुड ओके इट्स ओन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ओके सेक्टर अंडर मेक इन इंडिया यूनिट और इंडिया को एज सुन एज पॉसिबल रिड्यूस करना है अपनी डिपेंडेंसी तो दैट्स हाउ दिस काइंड्स ऑफ जेनरिक क्वेश्चन जनरली विच आर टेन मार्कर्स दो पेज का होता है ज्यादा का नहीं होता है पंद्रह नहीं पूछती यूपीएससी उसको आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है